हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं लेके आया हूँ गेम प्ले सीरीज, तो मैं इसमें वॉइस ओवर करूँगा और बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने वाला था। और ये छोटा सा गेम प्ले होगा जस्ट फॉर ट्राइंग, तो एंजॉय करो। इसे नॉक करते ही मैंने वेस्ट ढूंढने का सोचा। मैंने सोचा बिना वेस्ट के रश तो करूंगा नहीं, कि बिना वेस्ट के रश करना मतलब सोलो स्क्वाड में मौत के बराबर है, क्योंकि सामने कवर फर आएगा और आप नॉक हो जाओगे। तो बस मैं वेस्ट ढूंढने लगा और मुझे वेस्ट नहीं मिलती है, तो मैं ऐसे ही रश कर देता हूँ। इन्हें नॉक करने के बाद मैं इन्हें फिनिश ही कर रहा होता हूँ, सबको दूर दूर के फिनिश कर रहा होता हूँ। कितने मुझे और फुटस्टेप्स आते हैं और मुझे पता चलता है एक नई स्क्वाड आ गई है, तो बस इधर मैं एक नॉक करने के बाद फॉल बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है उधर पूरे 3 या 4 बंदे हैं, तो उनसे मैं ऐसे फाइट ले नहीं सकता। और वो कंटेनर के ऊपर भी आ चुके थे, इसलिए जस्ट मैं एक अच्छी कवर लेने वाला था जा रहा था। और ये इजीली मैंने एक स्क्वाड वाइप कर दी। और द क्रेडिट गोज़ टू MxSnax, क्योंकि ये चीज़ MxSnax ने बताई थी और इसे फास्टर करने के लिए उसने ड्रिल्स वगैरह बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सिर्फ MxSnax सर्च कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी ट्रेनिंग वाली। तो ये पूरा उसको ही जाता है श्रेय, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्रैक्टिस की थी और इधर वो बहुत काम आई। मैं अपनी बिना एक भी HP लूज़ किए पूरे 3 बंदे ले गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। तो बस मैं अपनी छोटी मोटी लूट करता हूँ, मेरे को फ्लेयर मिल जाती है और मैं पहुँच जाता हूँ फ्लेयर दागने के लिए। देखिए मैं अपनी फ्लेयर मार देता हूँ, मेरी फ्लेयर आ जाती है, लेकिन मैं ये क्या देखता हूँ जॉर्जो में एक और फ्लेयर, मतलब जॉर्जो में बंदे बचे थे। तो बस मैं अपनी फ्लेयर लूट के सीधा जॉर्जो में रश करने जाता हूँ। और देखिए, और मैं ड्रॉप को देखते हुए गाड़ी को इस तरह से घुमाता हूँ कि वो ड्रॉप के पास होंगे सारे बंदे, तो मैं पीछे से आ जाऊँगा और एटलीस्ट सारे बंदे एक ही साइड रहेंगे, क्योंकि अगर बंदे स्प्रेड रहे तो एक सोलो बंदे के लिए मुश्किल आ सकती है। इधर मुझे साउंड आती है और मैं इधर कवर में आ जाता हूँ, और मुझे पता नहीं होता बंदे कितने, इसलिए मैं जस्ट पोजीशन और इन्फो कलेक्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेना एक बहुत ज़रूरी होता है एक स्क्वाड से रेस्ट करने से पहले, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के आप कहीं से भी किसी भी थर्ड पार्टी या उसी बंदे का फ्लैंक से आप मर सकते हो, इसलिए ज़रूरी होता है। इसलिए जस्ट मैं घूम रहा था और मुझे बंदे पता चले, फिर मुझे पता चलता है बंदा एक ही है, तो मैं जस्ट कंटेनर के ऊपर से जाता हूँ और उसे पैनिक कर देता हूँ एक तरह से और इजीली मार देता हूँ। इससे मैं M249 उठा के और फिर चल देता हूँ अगली स्क्वाड ढूंढने के लिए और रश करता हूँ। बस गाड़ी लिए घूम ही रहा होता हूँ कि
मुझे एक गाड़ी दिखती है लेकिन उसमें पूरे बंदे होते हैं, 3 या 4 जितने भी थे। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें कंपाउंड तक ले जाता हूँ मेरे से पीछे करवाते हुए, क्योंकि ओपन में फाइट लेना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि काउंटर फायर में आप मर जाओगे। काउंटर फायर बहुत दिक्कत देता है ओपन ओपन कंपाउंड में। ओपन जैसे कंपाउंड ले आता हूँ वो लोग भी कंपाउंड आ जाते हैं और बस इधर से टीपी खेप चलता है। मैं जिस गाड़ी में स्मोक करता हूँ अभी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ ताकि वो लोग ओपन में आए, क्योंकि ऐसे मैं ओपन में आऊँगा तो वो मार देंगे, उनके पास मैन एडवांटेज है। इसलिए मैं जस्ट स्मोक करता हूँ और वेट करता हूँ कि वो लोग आए, तो बस वो लोग मेरे जाल में फंस जाते हैं। देखिए बस गाइस आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं बस जाता हूँ, 2 किल करता हूँ, 2 बंदे गाड़ी से नॉक करता हूँ, उसके बाद एक गलत सीन में फंस जाता हूँ, थर्ड पार्टी समझ लीजिए या उन्हीं के बंदे थे और फ्लैंक फ्लूम कर गए थे, और थर्ड पार्टी भी हुआ था जिनने मेरा विजन ब्लॉक एंगल ब्लॉक किया था। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, और वॉइस ओवर मेरा बहुत ख़राब है मुझे पता है, क्योंकि पहला तो नहीं, खैर मैं पहले करता था लेकिन अभी रात का वक्त है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बस कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो और बताना कि मैं आगे इसे प्रोग्रेस करूँ कि नहीं, और मेरी इंग्लिश स्टोरी भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।